इस वजह से कुछ लोग समझे कि पिक्चर लग गई, कुछ लोग समझे पिक्चर डब्बी की होगी। सिलेक्टेड लोगों को इन लोग ने बुलाया था ट्रेलर दिखाने को, गाने दिखाने को। हमें जब भी जब पिक्चर लेट होती ना तो ये बोलते अरे पिक्चर बकवास होगी। इनके पीआर मार्केटिंग वाले जितने भी है वो लल्लन टॉप वाले के पास में जाना बंद करो। हेलो वन, माय नेम इज दिग्विजय, वेलकम टू बॉलीवुड प्रेमी। दोस्तों, अजय देवगन की बड़ी पिक्चर आने वाली है। बड़ी इसके लिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो ए लिस्टर एक्टर है और पिक्चर का नाम है औरों में कहाँ दम था। हमारे साथ में हमारे क्रिटिक ऑफ द मासिक विजय जी, स्वागत है आपका टू बॉलीवुड प्रेमी। ट्रेलर देखा था विजय जी ने, पसंद आया था ट्रेलर। हम रिव्यू नहीं कर सके थे किसी कारण की वजह से, लेकिन ये पिक्चर कल रिलीज होने वाली है। इसका एडवांस बुकिंग रिपोर्ट हम जानने आए विजय जी आपके पास में। कैसा दिख रहा है एडवांस बुकिंग औरों में कहां दम था? तब्बू अजय देवगन 2500 स्क्रीन मिला है इसको अब तक, अभी तक। और एडवांस बुकिंग इतनी स्लो है, स्लो मतलब नाके बराबर है। ओके, इसे होनी चाहिए। जैसे बोलते ना 5 करोड़, 6 करोड़, 10 करोड़ की बुकिंग हुई है। करेक्ट, इस बार बुकिंग क्यों नहीं हुई? कम से कम 2 करोड़ की होनी चाहिए थी। हाँ, क्योंकि अजय देवगन और तब्बू जब भी आए सब पिक्चर सुपरहिट हुई है जी। अब उसका लिस्ट निकाल सकते हैं जी, जितने पिक्चर है सुपर हिट। इसका टाइटल देखो, औरों में कहाँ दम है, एक प्लस उसके गाने कितने अच्छे हैं, डायलॉग कितने अच्छे हैं। पता नहीं एडवांस बुकिंग क्यों नहीं हुई, क्या कारण है? कहीं ना कहीं क्या लग रहा है आपको विजय जी, एज आम आदमी तो आप देख रहे हो, 50 साल 30 साल का एक्सपीरियंस है। पिक्चर गर्म जब होती है तभी रिलीज होना चाहिए था जी। जब कलकी लगी उसके बाद 5 तारीख 5 जुलाई की डेट थी पिक्चर की, उन्होंने कैंसिल की क्योंकि कलकी वजह से जी। तो स्क्रीन कम मिले तो कोई बात नहीं, अगर स्क्रीन कम मिलेगा पिक्चर अच्छी होगी तो स्क्रीन बढ़ते सैटरडे संडे 2 दिन बाद भी बढ़ते स्क्रीन। इन्होंने पोस्टपोन कर दिया, 1 महीना हो गया तो फिर वहाँ पिक्चर ठंडी हो गई। इस वजह से लोग कुछ लोग समझे कि पिक्चर लग गई, कुछ लोग समझे पिक्चर डब्बी की होगी। okay. ये पब्लिक का माइंड है ऐसा। हमें जब भी जब पिक्चर लेट होती ना तो ये बोलते अरे पिक्चर बकवास होगी, इतना शायद लेट हो गई, इतना लेट क्यों हो गया। कलकी के बाद तो थिएटर खाली ही था, कोई पिक्चर नहीं थी, वही पिक्चर उससे गर्म थी। मतलब इस साल की हम बोल सकते हैं अजय देवगन डिजास्ट्रस ओपनिंग, ये वाली पिक्चर लग सकती है। yes. जितना कि अक्षय कुमार को 2 करोड़ 40 लाख की ओपनिंग लगी थी सरफिरा को, शायद से उतनी या उससे थोड़ी सी ज्यादा लगे। लेकिन अजय देवगन को माना जाता है कि जो रिमेक करते हैं लेकिन उनकी पिक्चरें चलती है, जहाँ पे अक्षय कुमार रिमेक करते हैं उनकी पिक्चर नहीं चलती है। शैतान चली थी, दृश्यम 1 दृश्यम 2 दोनों ब्लॉकबस्टर, तो ये क्या कारण है कि पब्लिक आई नहीं? okay. फिर भी कल देखते हैं ऑडियंस अगर आ जाए, उम्मीद लग रही है वॉक इन ऑडियंस आएगी और एटलीस्ट 5 करोड़ की ओपनिंग ले पिक्चर। कम से कम 5-6 करोड़ तो लेना ही चाहिए। फर्स्ट डे 5-6 करोड़ अगर ना करे अक्षय कुमार अजय देवगन तो फिर वो एक एक्टर ही नहीं, मैं तो बोलूँ उसको एक्टर की गिनते ही नहीं सकते। बराबर, ये तो नए लोग ही लेते, जैसे 12th फेल तो नया लड़का लेके गया, कौशल ले लोग भी आए थे, अच्छी खासी ओपनिंग ली थी, 8 करोड़ 8.5 करोड़ की ओपनिंग लेके गए विकी कौशल ने। यस, कितनी बड़ी बात है। अगर अक्षय कुमार 100 करोड़ रुपए लेने वाले लोग अगर वो 50 करोड़ भी 30 करोड़ भी ओपनिंग ना ले, क्या फायदा है? देखो मिड बजट की पिक्चर है, इतना भी बड़ा बजट है नहीं, एक्टर बड़े है ना, एक्टर फिल्म देखने कौन आता है? एक्टर को देखने आता है पहले 3 दिन। 3 दिन यस, एक्टर का पैसा वसूल होना चाहिए। अगर एक्टर के ऊपर लोग नहीं आगे तो फायदा क्या? सही बात है। एंड कहीं ना कहीं देखिए, ये जो मुंबई जो टेरिटरी है, बॉम्बे टेरिटरी है, वो अजय देवगन के लिए मजबूत टेरिटरी है। मुझे पब्लिक जाती जाती है अजय देवगन को पोस्टर पे देख के जाती है, ना ट्रेलर देखेंगे ना टीजर देखेंगे, अजय दिख गया तो टिकट बिकती है विंडो पे। लेकिन इस बार कुछ दोस्तों अलग ही गड़बड़ लग रही है, एडवांस बुकिंग दिखाई नहीं दे रही और कहीं ना कहीं ये लोग इंटरव्यूज भी कर रहे हैं। और मैं इनको बोलना चाहूंगा, जितने भी इनके पीआर मार्केटिंग वाले जितने भी है, वो लल्लन टॉप वाले के पास में जाना बंद करो। 1.5 घंटा 2 घंटे का जैसे इंटरव्यू करवाता है विजय जी, वो इतना बोर हो गए थे अजय देवगन, तब्बू और नीरज पांडे, वो पक गए थे लेकिन बोल नहीं पा रहे थे उसको कि यार तेरा इंटरव्यू बंद कर। और उसके इंटरव्यू के वजह से भी पिक्चर चलती नहीं है। इसके पहले कार्तिक आर्यन गया, क्या हो गया चंदू चैंपियन का? अरे इंटरव्यू छोटा सा होना चाहिए, लगे लोगों को देखने को इंटरेस्ट आए, अरे वाह क्या इंटरव्यू था, क्या अच्छे डायलॉग माले, अच्छे जोक्स बोले, तो लोगों को मजा आता है। अब लंबा चौड़ा भाषण दोगे तो कौन सुनेगा? इतना पकाया विजय जी उसने इंटरव्यू में, कुछ तो इंटरेस्टिंग और बात करता, कुछ भी पुरानी बातें लेके बैठ गए,
फिर अजय देवगन को अपने डैडी के बारे में पूछने लग गया, तुम पिक्चर की बात करो, पिक्चर प्रमोट करने आए हो तुम्हारे पास, उसी की बात करो कि ये आप इन्फॉर्मेशन देते हो ना यूट्यूब पे सब मिल जाता है, उनके बाप दादा कौन थे सब दिख जाता है उसमें। अब ये सब मत बोलो, जो करंट बात है वही बोलो इंटरव्यू में, तो लोगों को इंटरेस्ट आ रहा है क्या क्या मेहनत की, कैसी मेकिंग की, वो लगे अपने को क्या भाई कुछ काम किया है। सही बात है, वापस से रिपीट करूंगा, जितने भी इनके मार्केटिंग वाले पीआर वाले मैनेजर से, वो लल्लन टॉप वाले के पास अगर जाओगे तो आपकी पिक्चर बॉक्स ऑफिस पे यही हाल होने वाला है। आप आम आदमी के पास में आओ, पब्लिक में उतरो, थोड़ा प्रमोशन करो, जो नॉर्मल करते कॉलेजेस जाते, ये लोग भी गए थे विक्की कौशल, ये लोग कितना कॉलेजेस जाके घूम के आए, तभी थोड़ा ओपनिंग मिली उनकी। यस दोस्तों, हालत हमने बताई है बॉक्स ऑफिस एडवांस बुकिंग की फॉर औरों में कहा दम था, उसके साथ में जानवी कपूर की भी पिक्चर है, वो तो टोटल वॉश आउट ही दिख रही है, कहीं पे भी मतलब प्रमोशन भी नजर नहीं आया। सिलेक्टेड लोगों को इन लोग ने बुलाया था ट्रेलर दिखाने को, गाने दिखाने को, तो शायद सिलेक्टेड लोग जो है वो लोग ही जाएंगे देखने के लिए, पूरी मास जाएगी नहीं, लेकिन फिर भी पॉजिटिव नोट में हम बोलेंगे कि अजय देवगन के लिए हम जाएंगे देखने, पिक्चर हम दोनों देखेंगे जी, जो अच्छी होगी नहीं होगी नहीं, लेकिन हम तो जाएंगे अपने जिन लोगों को बुलाया, देखो वो लोग पिक्चर देखने आते कि नहीं, देखिए थिएटर में चोरी छुपी जाके देखिए तो वो लोग आए कि नहीं। एग्जैक्टली, चलिए विजय जी थैंक यू बोलना चाहूंगा आपके, आपने एडवांस बुकिंग पे बात की है फॉर औरों में कहा दम था, अजय देवगन की पिक्चर है, कल रिलीज होने वाली है दोस्तों, थैंक यू।